सेवा भाई को पंजाब से लेकर यहाँ तक संभाल कर लेकर आए, सबका धन्यवाद करते हैं और इस छोटी सी टोली में सेवा जी का स्वागत करते हैं। आओ परमेश्वर के वचन की ओर चले। और बाइबल से मरकुस रचित सुसमाचार मरकुस इसका पहला थे मरकुस एक और हम पढ़ेंगे 21 से लेकर 28 तक। मरकुस एक 21 से लेकर 28 माने तेओ कवर नहुमा गया ने तरह का विश्राम वाले सभा स्थान में आ जाई ने तेने उपदेश करियो अने तेओ तेना उपदेश थी अचल थया केम के शास्त्री और फेटे नहीं पण जेना अधिकार होय तेनी फेटे ने तेओ ने उपदेश करियो अने तेओ ना सभा स्थान में अशुद्ध आत्मा वर्केला एक माणस हतो तेने बूम पाड़ी के अरे ईशो नाजारी अमारे ने तारे शू छे शू तू अमारो नाश करवा आव्यो छे तू कोण छे એ હું જાણું છું એટલે દેવનો પર અને ઈશ્વરે તેને પ્રાપ્તા કરી તે છાલો રહેને તેનામાંથી નીકળ્યો અને અશુદ્ધ આત્મા તેને મરડી નાખીને તથા મૂટી હું પાડીને તેનામાંથી નીકળી ગયો અને બધા એવા અચરજ થયા કે તેઓ માઓએ પૂછવા લાગ્યા કે આ શું છે આ તો નવો ઉપદેશ છે કેમ કે અધિકારથી તે અશુદ્ધ આત્માઓને પણ આજ્ઞા કરે છે और सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। हालेलुया। और परमेश्वर पिता का वचन हमें हर रोज प्रतिपल एक आजादी के दिशा में लेकर जाता है, क्योंकि जिसके पास अभी तक ये वचन नहीं पहुँचे वो सारे लोग अभी बंधन में है। जिनके हृदय में अभी तक ये वचन नहीं पहुँचे वो सारे लोग अभी भी वो किसी न किसी के शैतान के आत्मा के बीमारियों के श्रापों के बंधन में अभी भी फंसे हुए हैं। और आज 2016 और अप्रैल महीने के आखिरी दिन चल रहे, लेकिन आज भी देखो टीवी के युग में या और भी टेक्नोलॉजी जिसको इंटरनेट बोलते हैं, ऐसी टेक्नोलॉजी में आज भी दुनिया के कई हिस्सों में अभी तक ये वचन जो है वो अभी तक नहीं पहुंचा। ऐसी आज भी कई जगह है कि जहाँ पर जो परमेश्वर का वचन है वो वचन अभी तक नहीं पहुंचा। यहाँ हमारे गुजरात में ही जाओ, काठियावाड़ के अंदर, तो वहाँ पर कई जगह ऐसी है कि जहाँ पर अभी तक परमेश्वर का वचन नहीं पहुँचा है। कई ऐसी जगह है, अफ्रीका में चले जाओ तो वहाँ पर भी काफ़ी ऐसी जगह है कि जहाँ पर परमेश्वर का वचन जो है वो अभी तक नहीं पहुंचा। हमारे पास पहुंच चुका है, तो परमेश्वर का सही में बहुत धन्यवाद कि जो भाषा हम जानते हैं, जो हमारे हमको भाषा मिली हुई है उसी में हमको परमेश्वर के वचन मिले। परमेश्वर का सही में बहुत धन्यवाद करते हैं। एक बार हमारे शहर की बात कर रहा हूँ, मांजलपुर नाम का जो इलाका है वहाँ पर एक बार ऊपर में सोचा चलो वहाँ पर जाकर लोगों से मिलते हैं और अनजान लोगों से मिलते हैं। और एक सोसाइटी में चले गए और वहाँ पर एक दरवाज़ा जो था पहला दरवाज़ा हमने खड़का लिया और अंदर से दो औरत निकली और हमने उसको एक सवाल पूछा, क्या आप यीशु मसीह के बारे में जानते हो? और उसने सब बोला हम इस सोसाइटी में नहीं आए, बस बाजू वाले को जाकर पूछ लो। उसको ऐसा किसी का एड्रेस पूछ रहे यीशु मसीह नाम कि यीशु मसीह को मानने वाले आज धरती पर सबसे ज़्यादा है, फिर भी उसको नहीं मालूम था कि यीशु मसीह नाम का कोई परमेश्वर है और वही सच्चे परमेश्वर है, वो उनको नहीं मालूम था। मतलब आज भी कई ऐसी है जगह, चलो उसकी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जो भी जगह ऐसी है वहाँ पर परमेश्वर के लोग काम कर रहे हैं और परमेश्वर के लोग बहुत आत्मा से सच्चाई से ऐसी जगह पर जा रहे और परमेश्वर का नाम जो है बहुत जल्द फैल जाने वाला है और पूरी धरती के ऊपर फैल जाएगा। क्योंकि प्रभु यीशु ने भी कहा है कि जब तक ये मेरा नाम सभी जगह पर नहीं पहुंचाया जाएगा तब तक इस धरती का अंत नहीं आएगा। और परमेश्वर का काम जो है वो बहुत ज़ोरों से चल रहा है
और ऐसी जगह पर कई लोग काम कर रहे हैं और बहुत जल्द हमारे परमेश्वर का जो नाम है वो चारों ओर फैल जाएगा। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसा होने वाला है और धरती का अंत जो है वो भी होने वाला है। लेकिन परमेश्वर ने हमें ये वचन हमारे पास पहुंचा दिए, हमारे पास वर्षों से है, इसलिए परमेश्वर का सही में धन्यवाद करते हैं। तो ये जो वचन है परमेश्वर के वचन, वो सही में बहुत ही अच्छे वचन है। आज दुनिया में कई जगह पर जाकर देखो तो कई जगह पर कई दुखी बीमार लोगों को लेकर हम लोग चले जाते और वहाँ पर ऐसा दावा किया जाता है कि यहाँ पर लेकर आओ भूत प्रेत निकल जाएंगे, यहाँ पर लेकर आओ आपकी सारी बीमारी दूर हो जाएगी। कई लोग ऐसे मरकरोड़ा शहर में ही एक बाबा ऐसा है, उसको लोग पथरी वाले बाबा बोलते हैं, बस उसके पास जाकर खड़े हो जाओ और बोलो कि मुझसे पथरी है। तो पूछेगा कहाँ पर दर्द होता है और इसे बाहर से हाथ पकड़ कर वहाँ पर हाथ लगा कर वो पथरी अपने हाथ में दे देता है। जितने भी लोग थे उनको चिंगाई नहीं मिली, लेकिन कुछ दिन के बाद फिर उनको दर्द होने लगता है और पता चलता है पथरी तो अभी भी वहीं पर है। हर लोग क्या करता है क्या नहीं, लेकिन ऐसे काम बहुत जगह पर हो रहे और ऐसी जगह पर बहुत लोग जा भी रहे। इसका मतलब क्या है? सभी लोग अंधे नहीं है, सभी लोग अंधे नहीं है कि ऐसी बातों को ना पहचान सके ना देख सके, लेकिन फिर भी ऐसी जगह पर अगर लोग ज्यादा जाते हैं इसका मतलब वहाँ कुछ ना कुछ तो होता है। हो सकता है बड़े बड़े काम ना होता हो सकता है संपूर्ण काम ना होता हो, लेकिन कुछ तो होता है कि जिसकी वजह से लोग ऐसे लोगों के पास भी जाते हैं और ऐसे लोगों से मिलते भी। ऐसे कई संत महात्मा पैदा हो चुके हैं कि जो ऐसा दावा करते हैं और लोग उनके पास जाते हैं और कुछ न कुछ काम जो है वहाँ पर होता रहता है। नहीं तो सिर्फ अगर यीशु मसीह ही करते हैं तो लोग यीशु मसीह के पास ही आएंगे, लेकिन फिर भी ऐसे कई लोग हैं कि हो सकता है शैतान की आत्मा से काम करने वाले हों, हो सकता है कोई ठगी मारने वाले हो, लेकिन ऐसी जगह पर भी कुछ न कुछ तो हो रहा है और इसलिए वहाँ पर जो भीड़ होती है वो आज भी ऐसी कई जगह पर भीड़ रहती है। लेकिन मैंने एक बात देखी, कोई कहीं पर भी जाए यीशु मसीह को छोड़कर अगर कहीं पर भी जाए, किसी के भी पास जाए, मैंने देखा है कभी भी किसी ने किसी को पहचानने का प्रयत्न नहीं किया। कभी भी कोई कहीं पर भी जाता है वहाँ उसको पहचानता नहीं कि ये कौन है कैसा है। एक है ऐसा ही कोई संत जो जादू टोने से कुछ काम करता है और मैं उसको हर रोज देखता रहता हूँ और कई बार उसके पास जो लोग जादू टोना करवाने के लिए आते बोलते हैं उसको कि तू भगत है, उसको ऐसा बोलता है तू बहुत बड़ा भक्त है और तू तेरी भक्ति के सामर्थ्य सब कुछ करता है। लेकिन कई लोग उसको बोलते हैं महाराज बीड़ी जला कर दूँ क्या, और लोग उसको बीड़ी जला कर भी देते हैं तो उसको पहचानते नहीं है कि सही में बीड़ी पीने वाला है वो संत कैसे हो गए, जो अपना शरीर खराब कर रहा है, जो खुद बीड़ी के बंधन में है और वो कैसे किसी का काम कर पाएगा या तो उसके पास छुटकारा कैसे हो सकता है। लेकिन फिर भी लोग उसके पास जाते हैं और जाने के बाद ऐसे लोगों को कोई पहचानता नहीं। जितने भी लोग यीशु मसीह के पास नहीं आते कहीं और जाते हैं तो जाकर कभी भी उनको पहचानने का प्रयत्न नहीं करते, बस वहाँ जाते हैं और जाकर वो लोग वापस आ भी जाते हैं। एक बार बादशाह था अकबर बादशाह, तो उन्होंने बीरबल से ऐसी बात की, बोले ऐसी कई जगह है कि बड़े बड़े काम होते हैं बीमार चंगे हो जाते हैं, पर बीरबल ने बोला ऐसा कुछ नहीं होता है, ऐसा कुछ है ही नहीं, ना कोई ऐसे बड़ा कोई पीर फकीर हो गया है। और उसने क्या किया, एक जगह पर गया और एक इंसान को बोला कि देख मैं जितना बोलता हूँ बस कितना काम कर रहा है, और उसने बोला ठीक है, और वहाँ उसने पुराने फटे हुए जूते जूते वो उसको दिए, उसको बोला ये जो जूते हैं इसको यहाँ पर दफन कर दे। दफन करने के बाद इसके ऊपर एक बड़ी सी कब्र बना ले, अच्छी सी खूबसूरत कब्र बना ले, और उसके बाद तो बाहर बात फैला देना कि यहाँ पर एक संत है और बड़े बड़े काम होते हैं। और धीरे धीरे एक खबर चारों ओर फैलने लगी, लोग वहाँ पर जाने लगे, लोग अपनी मन्नत मानने लगे और जो काम है वहाँ पर कई लोगों के काम होने भी लगे। और ये बात एक बार महाराज के पास आ गई, राजा के पास आ गई, और राजा ने बीरबल को बोला देख तू मना करता है ना, देख वहाँ पर तो काम हो रहा है। बीरबल के बोलता है चलो ठीक है हम लोग भी जाते हैं वहाँ पर गए। कई लोग आते थे, कई लोग अपना सर छुपाते थे, कोई मन्नत मानता था, कोई पैसे रखता था, सब कुछ वहाँ पर हो रहा था। सब लोग चले गए और फिर बीरबल ने उस इंसान को बोला कि भाई साहब इधर आओ,
और मुझे ये बताओ कि कब्र किसकी है और नीचे क्या दफन किया हुआ है। और तब उससे बताया कि आपने जो फटे जूते दिए थे और मुझे बोला था, बस मैंने वही काम किया और ये काम चल पड़ा है अभी। और फिर बिरबल ने बादशाह को बताया कि देखो ये क्या हो रहा है, अंदर जूते है, कोई संत नहीं है, कोई महात्मा नहीं है, वहाँ पर कोई जिंदा इंसान है ही नहीं, बस ऐसे ही ये सब कुछ काम जो है वो हो रहा है। लेकिन ज़्यादातर लोग चाहते हैं लेकिन वो जानते नहीं कि अंदर है क्या, पहचानने का प्रयत्न भी नहीं करते। मसीह लोगों में एक पंथ है जिसको बोलते हैं यहोवा विक्टेस वाले। यहोवा विक्टेस वाले का जो बॉस है, जिन्होंने ये कलीसिया शुरू की थी, यहोवा विक्टेस जो बोलते हैं, वो एक ठग था और उसने बैंक के अंदर कुछ मालूम नहीं कुछ पैसे की गड़बड़ी की थी और पैसे की गड़बड़ी करने की वजह से उसको जेल में डाल दिया गया। और वहाँ पर उसके पास टाइम ही टाइम था, वहाँ पर तो कुछ काम करना ही नहीं था, और वहाँ पर उसने बाइबल पढ़ा क्योंकि उसने देखा कि अभी मैं यहाँ से बाहर निकलूँगा कोई मुझे नौकरी नहीं देने वाला, तो मैं अभी करूँ क्या। उसने बाइबल पढ़ा और बाइबल से उसने यहोवा शब्द गिनकर निकाल दिए और उसने देखा यीशु से ज़्यादा यहोवा शब्द लिखा है और उसने यहोवा का साक्षी बना लिया। बस पैसे कमाने के लिए कुछ तो करना है, उसकी तो ज़िंदगी चली भी गई और वो मर भी गए। लेकिन उसके पीछे आज कितने लोग चल पड़े, लेकिन वो लोग ये नहीं देख रहे कि हम जिसके पीछे चलते सही में वो इंसान है कौन। कोई भी मैंने आज तक देखा है कि यीशु मसीह के पास आएंगे तो ढेर सारे सवाल करेंगे, कौन यीशु, कैसे यीशु, क्या करते हैं, कहाँ से आए, कैसे कैसे काम किए, कोई गवाही है आपके पास, ऐसा बहुत कुछ पूछेंगे। लेकिन और कहीं जाएंगे तो उनके अंदर कभी भी किसी भी तरह का जो सवाल होना चाहिए वो सवाल उनके जेल में होता ही नहीं। और लोग बाहर जाते हैं तो कभी भी जानने का प्रयत्न ही नहीं करते कि वहाँ पर है कौन और क्या कामकाज हो रहा है वहाँ पर। वो इंसान कैसा है जिसकी हम पूजा करते हैं, जिस दरगाह पर हम जाते हैं, जिस कब्र पर हम जाते हैं, वो कब्र है किसकी, वो था कौन, वो कैसा था, उसने कैसे कैसे काम किए, कोई भी जानने का जो प्रयत्न करना चाहिए वो प्रयत्न नहीं करते। लेकिन हमारे परमेश्वर वो तो हमसे बात करते हैं और बाइबल में ऐसा लिखा है, हम पढ़ते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय, यूहन्ना उसका 17 अध्याय और उसका 3रा पद को पढ़ो तो अनंत जीवन एक छे के जो तने इकला खड़ा दियो ने तथा यीशु ख्रिस्त जेने ते मुकलो छे तेने ओर छे। यहाँ पर तो परमेश्वर बहुत स्पष्ट बोल रहे हैं अनंत जीवन क्या है, हमेशा का जीवन क्या है, स्वर्ग में जाना वो क्या है। तो परमेश्वर बोलते हैं कि स्वर्ग में जाना मतलब परमेश्वर को जानना, परमेश्वर को पहचानना। यहाँ पर स्पष्ट क्या, परमेश्वर खुद बोलते हैं मुझे पहचानो वही अनंत जीवन है, परमेश्वर को एक बार जान लो वही अनंत जीवन है। ऐसा परमेश्वर कहना चाहते हैं कि मुझे एक बार जान लो और जान लोगे तो आप स्वर्ग में चले जाओगे। अनंत जीवन वही है कि हम चिंता परमेश्वर को, प्रभु यीशु को हम पहचान लें, उसको जान लें। यही बाइबल में लिखा है कि वही अनंत जीवन है हमारे लिए। अगर हमेशा का जीवन चाहिए हमें तो हमें कुछ काम नहीं करना है और जो करना है सिर्फ इतना कि हमें परमेश्वर को जानना है। बस हमने परमेश्वर को जान लिया तो हमारा जो अनंत जीवन है वो पक्का। जो पुराने नियम में पढ़ते हैं तो वहाँ पर एक लड़का था जिसका बाप था दाऊद, और दाऊद जो थे वो तो परमेश्वर की निगाहों में अच्छा करने वाले हैं, वो परमेश्वर के दास थे, राजा बन चुके थे, लेकिन फिर भी परमेश्वर की भक्ति आराधना आत्मा और सच्चाई से करने वाले थे। हमारे पास जो जन संहिता है उसमें 150 गाने लिखे हुए, उस 150 में से सबसे ज़्यादा लिखने वाले अगर कोई है तो वही है दाऊद राजा। दाऊद राजा ने पवित्र आत्मा से बहुत गहरी गहरी बातें गाने के स्वरूप में हमें बाइबल के अंदर लिखकर दी हुई है। वो आत्मा से चलने वाले, पवित्र आत्मा को पाकर पवित्र आत्मा से चलने वाले ऐसे परमेश्वर के दास हो गए थे। वो राजा सोना चांदी उनके पास बहुत था, बड़े महल थे, लेकिन फिर भी कुछ भी घमंड नहीं, लेकिन सिर्फ परमेश्वर के पीछे आत्मा से और सच्चाई से चलने वाले थे। उनके कई बेटे बेटे थे। अभी अगर बाप ऐसा है तो मैं मानता हूँ कि बेटे को भी शिक्षा दी होगी, बेटों को भी सिखाया होगा कि परमेश्वर है क्या, क्योंकि जो आत्मा से चलने वाला होता है वो अपने बेटे को कुछ और सिखाए या ना सिखाए लेकिन उसको परमेश्वर की बातें ज़रूर सिखाएंगे।
उसको अनंत जन की बातें जरूर सिखाएंगे। और दाऊद राजा ने भी अपने बेटों को ये जो अनंत जन की बातें, परमेश्वर की बातें जो है वो पक्का सिखाई हुई। और उनका एक बेटा था जिसका नाम था अबशालोम। और बाइबल में ऐसा लिखा है, हम पढ़ते हैं दूसरा समूएल उसका 15 अध्याय। दूसरा समूएल उसका 15 अध्याय पढ़ो तो उसको शुरू से कोई चार बच्ची एम करो के आसोरों में बुदाने सारुवत घोड़ा उधर बुदानी आगर घोड़ा सारु 50 मानसु तैयार करिया। अभी जो आप शालम था वो दाऊद का बेटा था। दाऊद जो थे वो उस समय के राजा थे। अगर दाऊद मर जाते तो उसके बाद जो राजा होना था वो उन्हीं के बेटे का होना था। दाऊद का ही कोई ना कोई बेटा वो राजा बनने वाले थे। अभी दाऊद तो राजा बन चुके थे और ये अबशालोम जो था उनका ही बेटा था। और उस वक्त ये अबशालोम जो था वो पूरे इसराइल में सबसे सुंदर दिखने वाला एक युवान था, सबसे सुंदर दिखने वाला युवान था। इससे क्या किया कि राजा का काम क्या था कि राजा का काम ये था लोगों का न्याय करना, राजा का काम था लोगों की संभाल रखना, राजा का काम था लोगों की देखभाल करना, ये सारे काम ये दाऊद राजा के थे। लेकिन ये अबशालोम ने क्या किया कि जब भी दाऊद राजा वो अपने दरबार में बैठते थे और जिसको कोई भी समस्या हो, किसी का कोई झगड़ा हो, किसी का किसी के साथ अनबन हो, तो ऐसे लोग वहाँ पर चले जाते थे राजा के पास। और राजा के पास जाकर राजा को पूछते थे कि ये मेरे पड़ोसी ने मेरे साथ ऐसा किया या ये मेरे सामने रहता है इसने ऐसा किया या मेरे रिश्तेदार ने कुछ ऐसा किया। और वहाँ पर जो भी झगड़ा था वहाँ उनकी सुनवाई होती थी और जो दाऊद राजा थे वो उन सभी का न्याय करते थे। सभी लोग दाऊद राजा के पास जाते थे और दाऊद राजा को लोग बहुत अच्छा समझते थे और थे भी अच्छे परमेश्वर के आत्मा से चलने वाले और सच्चाई से चलने वाले ऐसे परमेश्वर के दास थे। और सभी को दाऊद राजा के ऊपर बहुत भरोसा था। लेकिन तभी अबशालोम ने क्या किया, अबशालोम क्या करते थे, राजा के महल के बाहर जाकर रास्ते में खड़े हो जाते थे और जो भी वहाँ लड़ाई झगड़ा देख रहा था उनको रोकता था, ए इधर आओ क्या काम है आपको, फिर हमें राजा के पास जाना है, क्यों जाना है, हम दोनों के बीच में जमीन को लेकर कुछ झगड़ा है तो हम उसको निपटाने के लिए जा रहे हैं। तो आप साहब क्या बोलता है, इतनी सी छोटी सी बात के लिए वहाँ जाने की क्या जरूरत है, मैं हूँ ना, मैं भी तो राजा का बेटा हूँ, ये काम मैं ही निपटा लेता हूँ। और वो क्या करता था, जब भी कोई आता था तो उसको बहुत खुशी से उसके साथ मिलता था और उसको अपने गले लगा देता था, तो सामने वाले को बहुत अच्छा लगता था, इतने महान राजा का बेटा, राजा का बेटा मतलब वो भी तो महान है और हम जैसे गरीब लोगों को गले लगा देता है, इसके अंदर को कितना प्यार है। और वैसे प्यार जता जता कर लोगों को अपने पास बुला लेता था और उनका जो झगड़ा था वो बाहर ही बाहर निपटा लेता था, चाहे किसी भी तरह से, लेकिन झगड़ा निपटा कर उनको वापस भेज देता था। दाऊद राजा के पास किसी को भी पहुँचने नहीं देता था और जो भी आते थे उनको इसी तरह से उसने अपने पक्ष में कर लिया। और लोगों को उसने ऐसा जता दिया, ऐसे उसने तकरीबन 2 साल तक किया और उसने लोगों को ऐसा जता दिया कि दाऊद राजा से बढ़कर भी मैं हूँ और मैं आपका काम अच्छी तरह से कर सकता हूँ। और लोगों को प्यार जता जता कर लोगों ने देखा कि दाऊद राजा से ज़्यादा ये अबशालोम मुझसे प्यार करता है, अबशालोम मुझसे हमसे प्यार करता है। तो अबशालोम ने बहुत लोगों को अपने पक्ष में कर दिया। और वहाँ पर ऐसा लिखा है, हम पढ़ते हैं दूसरा समूएल उसका 15 अध्याय और उसका 7वां पद पढ़ो तो 7वां पद। 4 वर्ष पची एम थो के अबशालोम में राजा ने कहू के मैं ही हो अगर मानकर रखी थे ये उत्तर वजह कृपा करी ने मने हाथ वो जवा दे केम के तारो सेवक आराम ना गसूर मान रह तो हो तो जाने ने इनी मानकर रखी होती के जो ही हो मने नक्की यरूशलेम में पाछो लाऊ से तो हूं ही होनी आराधना करी। वहां पर बाइबल में लिखा है अबशालोम ने दाऊद राजा से कहा कि पिताजी मुझे अभी यहाँ से बाहर जाने दो, मैं बाहर जाना चाहता हूँ। और उसने हेब्रोन नाम की जो जगह थी वो जगह का नाम लिया, मैं वहाँ पर जाना चाहता हूँ। और क्यों जाना चाहता हूँ, तो बोलते मैंने परमेश्वर के नाम से कुछ मन्नत मांगी थी। इसका मतलब उस समय लोग मन्नत मांगते थे और मन्नत मांगना वो पाप नहीं है, हम मन्नत मांग सकते, परमेश्वर की ओर से आज्ञा नहीं है। लेकिन परमेश्वर बोलते अगर मन्नत मानो तो उसको पूरी भी करो, अगर नहीं पूरी करना है तो मानो ही मत, परमेश्वर नहीं चाहते कि हम मन्नत माने और उसको पूरा ना करें।
परमेश्वर को मन्नत मानना है तो आप मानो, और मानते हो तो फिर पूरा भी करो, परमेश्वर की ओर से आज्ञा नहीं। और उस वक्त कई लोग इस तरह से मन्नत मानते थे, और उसमें से अबशालोम था, और अबशालोम ने बोला मैंने भी मन्नत मानी। इसका मतलब क्या हो कि परमेश्वर को ये अबशालोम अच्छी तरह से जानता है, परमेश्वर के वचन को भी अच्छी तरह से जानता है कि परमेश्वर ने हमें पुराने नियम में शामिल कर दिया हुआ है कि मन्नत मानो तो पूरा करो, और इसलिए ये मन्नत भी मानी उसने और राजा को बता दिया कि सच में मन्नत मानी है। झूठ उसने बोला वो जाने, लेकिन उसने दाऊद राजा से बोला कि मुझे हेब्रोन में जाने दो, और वो हेब्रोन वहाँ से चला गया, लेकिन वो दाऊद राजा से झूठ बोलकर वहाँ चला गया था। और वहाँ जाकर जितने लोगों को उसने अपने पक्ष में कर लिया था उन सभी को उसने वहाँ पर इकट्ठा किया, और इकट्ठा कर कर उसने ये बोल दिया, हम पढ़ते हैं आगे उसका 9 और 10 पद। दाऊद राजा थे, परमेश्वर के अभिषिक्त थे। दाऊद राजा के जीवन में कैसी कैसी घटना हो गई ये अबशालोम जानता है। अबशालोम बड़ा बेटा, उसको काफी कुछ मालूम है कि मेरा पिता कितना आत्मीय है, आत्मिक है, कितना आत्मा से चलता है, उसका परमेश्वर ने अभिषेक किया है, सब कुछ जानता है। साथ साथ में इसका भी जो इसको भी दाऊद राजा ने बड़ा किया है, तो वचन के अनुसार बड़ा किया है, उसको वचन सिखाया हुआ है, उसको मालूम है कि अगर ऐसी कुछ परिस्थिति हो तो मन्नत माननी चाहिए, उसको पूरा भी करना चाहिए। वो मन्नत मानने की भी बात करता है और उसको पूरा करने की भी बात करता है, मतलब परमेश्वर को जानने वाला है अबशालोम। लेकिन फिर भी दाऊद राजा से झूठ बोलकर वो हेब्रोन में चला गया, और वहाँ से पूरे इसराइल में उसने अपने इंसान भेजे, और जो 4 साल से वो करता आया था कि लोगों को अपने पक्ष में करता था, दाऊद राजा में कुछ गलती नहीं थी, दाऊद राजा बहुत सही से चल रहे थे, लेकिन ये अबशालोम ने सभी के मन को जीत लिया। और सभी के मन को कैसे जीता? झूठ से जीता। सभी को ऐसे गले लगा देता था और जा जाकर बोलता था कि देखो दाऊद राजा से मैं अच्छा हूँ, मेरे बाप से मैं अच्छा हूँ, और लोगों को अपने पक्ष में कर ले। सही में पब्लिक की भी गलती है कि उन लोगों को दाऊद राजा को जाकर पूछना चाहिए कि दाऊद राजा क्या आपने अपने बेटों को ठहराया हुआ है, हम आपके पास आते हो और हमें बीच में रोक लेता है, पर काम तो वो भी अच्छा करता है, सही काम करता है, हमारे जो भी सवाल होते हैं, हमारे जो भी समस्या होती है उसका समाधान भी करता है, हमसे प्यार भी बहुत करता है, लेकिन ये कहीं गलत इरादे से तो नहीं राजा आपने ठहराया हुआ है कि नहीं? लेकिन कोई भी दाऊद राजा के पास नहीं गया, और अबशालोम ने पूरे इसराइल में खबर कहलाई कि जैसे ही आप नरसिंह की आवाज़ सुनो सभी लोग जाहिर कर देना कि अबशालोम राजा बन चुका है। एक सगा बेटा जो बाइबल की आ गया है कि अपने माता पिता का सम्मान करो, वो जानता भी है, परमेश्वर को भी जानता है, परमेश्वर की आज्ञा भी जानता है, लेकिन वो अपने पिता के खिलाफ हो गया, उसने अपने पिता के खिलाफ काम कर दिया, परमेश्वर के अभिषिक्त दास के खिलाफ उसने काम कर दिया, और उसकी जगह उसने लेनी चाहिए अबशालोम ने, और अबशालोम खुद दाऊद राजा को हटाकर वो खुद अपने आप राजा बन गया, और सारी पब्लिक को उसने अपनी ओर कर दिया। परमेश्वर को जानता था फिर भी, परमेश्वर को मानता था फिर भी, परमेश्वर के ही अभिषिक्त दास के खिलाफ ये हो गया, और लोगों को भी उसने परमेश्वर के अभिषेक दास के खिलाफ कर दिया और अपनी ओर कर दिया, और वो खुद राजा बन गया, और सही में दाऊद राजा जो थे उनको अपना महल छोड़कर उनको भागना पड़ा। एक बार परमेश्वर ने बात बताई और परमेश्वर ने इलिया से कहा कि इलिया कि तू जाकर एलीशा का अभिषेक कर तेरी जगह पर, और फिर उसको बोला था कि येहू नाम का एक इंसान है उसका भी अभिषेक करना और उसको इसराइल का राजा बनाना। चलो एलिया जो थे वो तो डायरेक्ट स्वर्ग में चले गए, उनकी सारी जिम्मेदारी एलीशा के ऊपर आ गई, और एलीशा जो थे उन्होंने ये जो येहू नाम का एक इंसान था उसका अभिषेक किया। और हम पढ़ते हैं दूसरा राजा और उसका 9वां अध्याय और उसका 3 पद। एलीशा प्रभु दो के पुत्र माना एक ने बुलाई ने तेने कहू के तारी कहो बाद ने तेरा आत्मा आप हेली शिशि लेने रामोथ गिलियाद गिलियाद जा क्या जाने मिसी ना दिखरा यहोशा फाटना दिखरा ये
તેની લઈ જશે. પછી તેની શિષ્ય ગઈને તેના માથા પર રેડજે. મેં કહ્યું કહી છે કે જેવો એમ કહે છે કે મેં તને ઇઝરાયલ પર રાજા તરીકે અભિષેક કર્યો છે. પછી બારનું ઉઘાડી દેના છે આવજે વિલંબો કરીશ માં. બાઇબલ મેં દેખાય કે ઇન્સાન એક ઇન્સાન પર રેજક પ્રભુ લા મુજે પરમેશ્વર ને કે કોઈ બાતે બતાએ તો જાટ ઉસ યહો કે પાસ ચલા જા. અહીં દેખો યહાં પર લિખા હૈ યહો કોન થા તો બોલે યહોશાફાત કા બેટા થા ઓર ઉસકે ભી બાપ કા નામ લિખા હુઆ હૈ ઉસકે શહેર કા ભી નામ લિખા હુઆ હૈ. અગર કોઈ એસા બોલ નરેન્દ્ર મોદી કોન તો તુરંત પહેચાન જાય. નરેન્દ્ર મોદી મતલબ ભારત કા પ્રધાનમંત્રી તુરંત પહેચાન. ફિર ઉસકે બાપ કે નામ કી જરૂરત નહીં હોતી. લેકિન અગર કોઈ ઇન્સાન ફેમસ ના હો જિસકી સમાજ મેં ઇતની ઇજ્જત ના હો તો બોલે નરેન્દ્ર મોદી કોણ નરેન્દ્ર મોદી હમ નહીં જાનતે કહાં કા રહેને વાલા હૈ. ફિર આગે તપાસ હોગે કહાં કા રહે. ફિર બોલેંગે અરે એ શહેર મેં રહેતા હૈ. અચ્છા ઉસ શહેર મેં લેકિન હમ નહીં જાનતે ઉસકે પિતા કા નામ માલૂમ હૈ ક્યા. ફિર ઉસકે પિતા કા નામ બતાયા જાયેગા. મતલબ જો ઇન્સાન ફેમસ હૈ વો અપને નામ સે જાના જાતા હૈ ઓર જો ઇન્સાન વો ફેમસ નહીં હૈ તો ક્યા હોતા હૈ કે ઉસકે બાપ દાદા કા ભી નામ લિયા જાતા હૈ ઉસકે શહેર કા ભી નામ લિયા જાતા હૈ. ये यहू उसमें से एक तक उसको कोई नहीं जानता था यहू है कौन. और नबी ने भविष्यवक्ता ने एक इंसान को भेजा तू जा ये शहर में जा ये शहर में ये नाम का इंसान है उसका एक लड़का है उस लड़के का नाम यहू है उसको तू पकड़ ले और जाकर उसका अभिषेक कर ले. मतलब यहू जो था एक आम इंसान तक वो कभी भी राजा नहीं बन सकता था एक आम इंसान तक. लेकिन परमेश्वर के कहने के अनुसार यहू को राजा बना दिया और यहू जो थे वो इसराइल के राजा बन गए. जिसकी कोई औकात नहीं थी जिसके पास कोई भी पद नहीं था जिसको कोई नहीं पहचानता था ऐसे को उठाकर परमेश्वर ने उसको राजा बना दिया. परमेश्वर ने राजा बना दिया. अब ये समझने वाली बात होती कि परमेश्वर का कोई इंसान आए और परमेश्वर का कोई इंसान आकर उसको बताए कि मुझे परमेश्वर ने भेजा है और फिर जाकर ये बात बताए तो बात पक्की हो जाती है कि ये परमेश्वर की ओर से हुई है. जब परमेश्वर किसी के जीवन में इंटरेस्ट लेते हैं जब परमेश्वर किसी के जीवन से खुश होते हैं तो इसका मतलब वहाँ कुछ न कुछ कारण तो होता ही होता है. ये यहू अगर परमेश्वर को नहीं जानता होगा तो परमेश्वर उसका अभिषेक भी नहीं करते. शाऊल जो थे उसमें कुछ खूबी देखी होगी इसलिए परमेश्वर ने उसका अभिषेक कर दिया. परमेश्वर इंसान में कुछ न कुछ ढूंढते और वो जो ढूंढते हैं उसको बाहर निकालने के लिए परमेश्वर उसका अभिषेक करते हैं. परमेश्वर उसको ज्ञान देते हैं परमेश्वर उसको बुद्धि देते हैं. यहू में कुछ देखकर परमेश्वर ने उसका अभिषेक कर दिया और अभिषेक करने के बाद वो जो भविष्यवक्ता है वो तो वहाँ से निकल गए. इसका मतलब यहू जो था उसके परमेश्वर के साथ तो कुछ तो संबंध था और परमेश्वर को मानने वाला होगा. तभी उसका अभिषेक हुआ तभी परमेश्वर ने उसके ऊपर विश्वास किया और तभी परमेश्वर ने उसको कुछ काम दिया. हम विश्वास करते हैं परमेश्वर पर ये कोई बड़ी बात नहीं. लेकिन जब परमेश्वर हम पर विश्वास करें और हमें कोई काम सौंप दे ये बड़ी बात है और तभी हमारा सफल होना ही चाहिए. तभी परमेश्वर हम पर भरोसा रख सकते हैं वरना नहीं. जब इतना बड़ा भरोसा विश्वास उन्होंने यहू पर किया तो यहू के साथ परमेश्वर का कुछ तो रिश्ता होगा और ये यहू जो थे वो परमेश्वर को जानने वाले होंगे. तभी उनका जो अभिषेक था वो हुआ. और फिर आगे लिखा है हम पढ़ते हैं उसका 10वां अध्याय दूसरा राजा उसका 10वां अध्याय उसका 29वां पद. તો પણ નબાટનો દીકરો યરોબઆમ જે પાપો કરીને ઇઝરાયલ પાસે પાપ કરાવતો હતો તેનું અનુકરણ કરવાથી એટલે બેથેલમાંના તથા દાનમાંના સોનાના બછડાની પૂજા યહોવાએ ચાલુની રાખી. બરાબર કેટલા સ્પષ્ટ ગઈ યહોવા કેટલા અચ્છા પરમેશ્વર ડાયરેક્ટ ઉસકે અભિષેક કે લે કિસકો ભેજતે હૈ ઉસકા કુછ ને કુછ રિશ્તા હોગા પરમેશ્વર કે સાથ विश्वास ही होगा. और परमेश्वर ने उसके ऊपर विश्वास रखा उसको राजा बना दिया. लेकिन राजा बनने के बाद क्या कर रहा है परमेश्वर को जानने के बाद क्या कर रहा है वो परमेश्वर की इज्जत नहीं कर रहा है और अभी भी वो परमेश्वर को तो मानता है साथ में बछड़े की भी पूजा करता है वो उसने चालू ही रही. वो ऐसा इंसान कि जिसकी कोई औकात नहीं है अगर परमेश्वर उसका अभिषेक करके उसको अगर राजा बना दें तो कितना एहसानमंद होना चाहिए परमेश्वर का. वो तो परमेश्वर के लिए मरने के लिए तैयार होना चाहिए. लेकिन ऐसा इंसान कर क्या रहे हैं वो तो बछड़े की पूजा कर रहे हैं वो तो मूर्ति पूजा कर रहे हैं वो परमेश्वर से दूर है. एक बार साउल थे और साउल का भी परमेश्वर ने अभिषेक कर दिया. और पहला शमूएल उसका 10वां अध्याय उसके पहले पद में लिखा है
कि जो शमूएल थे, शमूएल भविष्यवक्ता ने ये जो शाऊल राजा था, शाऊल थे उनका अभिषेक कर दिया और उनको राजा बना दिया। राजा बनाने के बाद परमेश्वर ने अपना आत्मा भी शाऊल राजा को दे दिया। और उसके बाद बाइबल में ऐसा लिखा है, हम पढ़ते हैं पहला शमूएल उसका 13वां अध्याय उसका 11 से लेकर 13 पद। शमूएल ने पूछो ते सु करे थे शाऊल ने कहो मैं जोयो के लोग हमारी पास से बिखराई गया छे बड़ी ठरावेली कुदरत के अंदर तू आयो नहीं बड़ी पलिस्तियों तो मिकमास के पास इतना थया छे ते माटे मैं कहो के हवे पलिस्तियों मारा पर गिलगाल मा घसी आवशे ने मैं यहोवाने कृपा करवा करवा माटे विनती करी नथी तेथी मारू मन दुखावी ने मैं धना पहुंचाड़ी। त्यारे शमूएल शाऊल ने कहू ते पुरखाई करी छे। बाइबल में लिखा है कि जो काम शमूएल को करना था वो शाऊल ने ही कर दिया। शमूएल को वहां पर बलि चढ़ाना था और वो काम भी राजा ने कर दिया। एक वक्त जो शमूएल के हाथों के नीचे था और शमूएल जिसका अभिषेक किया आज वो उसके ऊपर हो गए। अब मैं राजा बन चुका हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। और परमेश्वर उसको सिर्फ राजा का पद दिया था और राजा का काम उसको करना था, लेकिन उसने घमंड में आकर जो बलि देनी नहीं चाहिए वो बलि भी शाऊल राजा ने दे दी। और परमेश्वर ने उसको क्या बोला, इसमें तूने मूर्खता की। एक बार फिर ये जो शाऊल था उसे एक बार फिर मूर्खता की। और आगे हम पढ़ते हैं उसका 15वां अध्याय उसका 22 और 23 पद। त्यारे शमूएल कहू के पुतारी वाणी पड़ाया थे जोवा जितु राज्य थाई छे तेतु धना पणो थी यतुता यज्ञति ते थाई छे सु जो यज्ञ करता आज्ञा पालन सारू छे अने गीतान चलती कथा वचन मानू सारू छे क्या के दंगो जो ए जो सब जोवा जोवाना पाप जो छे ने हटी गई ए दुष्टता तथा मूर्ति पूजा देवी छे ते यहोवानु वचन नकारी छे माटे तेरे पर तने राजा तरीके नकारी छे। बाइबल में लिखा है शाऊल सब कुछ जानता था लेकिन फिर भी उसने परमेश्वर के खिलाफ काम किया। वो ये भी जानता था कि मैं परमेश्वर के खिलाफ काम कर रहा हूँ और फिर भी जान बुझ कर वो करता रहा। एक बार परमेश्वर उसको टोक दिया फिर भी वो वही काम किए जा रहा है। जानकर भी परमेश्वर को जानकर परमेश्वर को पहचान कर फिर भी वो परमेश्वर की जो आज्ञा है उस परमेश्वर की आज्ञाकारी नहीं कर रहा है। और आखिर में परमेश्वर ने बोल दिया कि तुम मुझे परमेश्वर नहीं मानता, तुम मुझे तुझ जानता है तो मैं भी तुझे तुझ जानता हूँ। फिर भी शाऊल क्या करता है, फिर भी शाऊल और कुछ करता है, हम पढ़ते उसका 30 और 31 पद। त्यारे तेरे कहू के मैं पाप तो कर लियो छे तो पर कृपा करी ने हाल मारा लोगों ना वडीलो ने आगर तथा इजराइल ने आगर मारु मान राख। फिर भी शाऊल क्या बोलता है शमूएल को, हाँ मैंने पाप कर दिया लेकिन बाहर किसी को मत बताना मैंने पाप किया और मेरी इज्जत रख, मेरे साथ में बैठ और मैं पूजा करता हूँ। और आगे पढ़ो, मैं तारा देव यहोवा को भजन करूं माटे मारी साथे पाछो आओ। ये शमूएल को बोलता है कि मैं परमेश्वर की भक्ति करूं, अभी आज्ञाकारी तो करता नहीं, अभी मीटिंग में बैठने से क्या फायदा, जब परमेश्वर के वचन ही नहीं मानना है तो फिर मीटिंग में जाने से कोई फायदा नहीं, चर्च में जाने से भी कोई फायदा नहीं। इसको मालूम है कि मैं परमेश्वर के खिलाफ ही जा रहा हूँ। वो बोलता भी हाँ मैंने पाप किया कोई बात नहीं लेकिन तुम मेरे साथ बैठ और मैं देख कैसा दिखावा करता हूँ। और बोलता है मुझे परमेश्वर की भक्ति करने दो। और आगे, तेरी शमूएल फरी ने शाऊल ही पाछर पाछो गयो अने शाऊल ही यहोवा नु भजन करू। बाइबल में लिखा है कि शाऊल ने परमेश्वर की भक्ति की। अब ये कौन सी भक्ति है, ये सिर्फ दिखावा है, ये कोई भक्ति नहीं है, लेकिन ये सिर्फ दिखावा। परमेश्वर को जानने के बाद, परमेश्वर को समझने के बाद ये परमेश्वर की इज्जत नहीं रख रहा है और परमेश्वर के खिलाफ जा रहा है और फिर भी दिखावा ऐसा करता है कि जैसे मैं अभी भी परमेश्वर के साथ हूँ और मैं परमेश्वर की भक्ति करने वाला हूँ। और उसके बाद शमूएल उसके पास से चले गए, लेकिन उसके जाने के बाद शाऊल को ऐसा लगा कि शमूएल ही मेरा दुश्मन है। अगर वो सभी लोगों को बोल देगा तो कि मैं तो सही में नहीं चलता हूँ और मैंने तो उसको ऐसे ही बिठा कर रखा था, मैं तो दिखावा करता हूँ, और इसलिए उसको गुस्सा आया कि चलो शमूएल को ख़त्म कर देते। उसने यही सोचा शमूएल को ख़त्म कर देते और उसकी जगह पर दाऊद राजा का अभिषेक हुआ था और उसने सोचा उसका अभिषेक भी शमूएल ने किया था, दाऊद को भी ख़त्म कर दो, ये दोनों को ख़त्म कर दो। और दाऊद और शमूएल ये दोनों शाऊल राजा से छुप छुप कर वो लोग घूमते फिरते रहते थे, वो दाऊद राजा छुपते रहते थे,
साउल से छुपते रहते थे। और एक बार साउल को कहीं से पता चला कि शमूएल और दाऊद कहीं पर है, और उसने 50 इंसान को भेजा, जाओ जाकर उन दोनों को पकड़ कर लेकर आओ। लेकिन जैसे 50 गए, ये दाऊद और शमूएल तो आराधना कर रहे थे, और जब आराधना कर रहे थे पवित्र आत्मा वहाँ जोरों से काम कर रहे थे। जैसे 50 लोग उनको पकड़ने के लिए आए, ये सारे पवित्र आत्मा से भर गए, ये पवित्र आत्मा से भर गए, ये सभी लोग भविष्यवाणी करने लगे, परमेश्वर का वचन बोलने लगे। शाऊल को वहाँ पर पता चला कि मैंने 50 लोगों को भेजा है, वो तो पवित्र आत्मा से भर गए और वो तो वहाँ पर प्रबोध कर रहे, वो तो भविष्यवाणी कर रहे, तो उसने दूसरे 50 को भेजा। जबकि उसको वचन मालूम है, उसको मालूम है पवित्र आत्मा है क्या, उसको मालूम है भविष्यवाणी है क्या, क्योंकि वो पहले कर चुका था, वो भी पवित्र आत्मा से पहले भरा हुआ था, उसको सब कुछ मालूम था। लेकिन फिर भी क्या बोलते हैं, और 50 को भेजो, उनको पकड़ कर ही लेकर आओ। सही में इसको झुक जाना चाहिए, परमेश्वर का क्षमा मांगनी चाहिए कि परमेश्वर मुझसे गलती हो गई। लेकिन ये नहीं मान रहा है, क्यों? क्योंकि तो परमेश्वर को जानने के बाद, परमेश्वर को समझने के बाद ही परमेश्वर की इज्जत नहीं करे। दूसरी बार 50 को भेजा, वो लोग भी वहाँ पवित्र आत्मा से भर कर वो लोग भी भविष्यवाणी करने लगे। तीसरी बार भेजा, वो उनके साथ भी ऐसा हुआ, आखिर में वो खुद चला गया। बोले वो लोग पवित्र आत्मा से भर कर ऐसा काम करते हैं, लेकिन मैं तो पवित्र आत्मा से भरूंगा ही नहीं, मैं तो उसको दोनों को पकड़ कर मारे दूंगा। लेकिन वहाँ पर गए और पवित्र आत्मा इसके अंदर जा गए, और शाऊल राजा ने भी भविष्यवाणी की। लेकिन यहाँ पर लिखा है, हम पढ़ते हैं पहला शमूएल उसका 19वां अध्याय उसका 24वां पद। અને તેણે પણ પોતાના વસ્ત્રો ઉતારી રાખ્યા, ને તે પર શમૂએલની આગળ પ્રગટ કરવા લાગ્યો, ને એ આખો દિવસ તાકી રાત તેના લગ્ન વસ્ત્રમાં પડી ગયો। બાઇબલ મેં લખ્યું છે કે શાઉલ રાજા એક દિન ઓર એક રાત બિના કપડે वो भविष्यवाणी करता रहा, वो नंगा होकर भविष्यवाणी करता रहा। परमेश्वर उसको सबके सामने नंगा कर दिया कि तू मेरी इज्जत नहीं करता है। जान बुझ कर परमेश्वर को जानने के बाद, परमेश्वर के वचन को जानने के बाद भी ये जो शाऊल है वो परमेश्वर की कोई भी इज्जत नहीं कर रहे। जब यीशु मसीह धरती पर आए, यीशु मसीह ने अपने खास चेलों में से 12 को चुना, उन्होंने उस 12 को परमेश्वर ने प्रेरित बना दिए, और उनमें से एक था यहूदा इस्करियोती। यहूदा इस्करियोती वो था कि जो लोग भी दान देते थे उसका हिसाब किताब रखना ये यहूदा के पास तक। और ये यहूदा ऐसा था कि यूहन्ना 12 में ऐसा लिखा है कि वो तो चोर था, जो भी दान अंदर आता था उसकी वो चोरी कर लेता था। जबकि वो यीशु मसीह के साथ 2400 घंटे रहने वाला था, और एक बार यीशु मसीह ने प्रचार भी किया था कि पहनने के लिए चिंता मत करो, खाने के लिए चिंता मत करो, ये तो विदेशी लोग ढूंढते हैं, मतलब जो परमेश्वर को नहीं मानते ऐसे लोग ढूंढते। तो ये तो यहूदा ने सुना था, फिर भी उसका काम वही है, फिर भी वो चोरी कर रहा है, फिर भी उसकी निगाह पहनने में, घूमने में और पैसों में ही उसकी निगाह है, और वो चोरी करता रहता है। यीशु मसीह ने बोला था, एक बार जवान एक लड़का आया था जो धनवान था, और यीशु मसीह को आकर पूछता है कि मुझे स्वर्ग में जाने के लिए क्या करना चाहिए। तो यीशु मसीह ने ऐसा बोला, तेरी जितनी भी दौलत है उसको बेच दे, जो भी पैसा है वो पहले गरीबों में बांट दे, और फिर मेरे पीछे चल। मतलब मेरे पीछे आना है तो कैसा, एक भी रुपया लेकर मेरे पीछे मत आना, सब कुछ बेच दे, बेच कर गरीबों में बांट दे, फिर मेरे पीछे। ये भी तो यहूदा इस्करियोती ने सुना था कि यीशु मसीह क्या मांगते क्या चाहते, लेकिन फिर भी काम क्या सक, पैसा पैसा पैसा। जबकि परमेश्वर से उसने सुना था कि पैसा हमको चाहिए नहीं, उसकी जरूरत ही नहीं। लेकिन ये जो यहूदा इस्करियोती था वो तो परमेश्वर के वचन के खिलाफ, परमेश्वर के साथ रहने के बाद भी, जानने के बाद भी, समझने के बाद भी, मतलब वो परमेश्वर की जो इज्जत करनी चाहिए वो इज्जत नहीं करता था। ये जितने लोगों के हमने बात की, चाहे शाऊल राजा की बात की, चाहे अबशालोम की बात की, चाहे यहूदा इस्करियोती की बात की, चाहे हमने किसी की भी बात की, यहू की बात की, लेकिन ये सभी लोगों, अगर ध्यान से हम इसके बारे में बाइबल में पढ़ें, ये सभी लोग परमेश्वर को अच्छी तरह से जानते थे, ये परमेश्वर को पहचानते थे, परमेश्वर के वचन क्या है वो सब जानते थे, परमेश्वर का अभिषेक क्या है ये लोग जानते थे, परमेश्वर ने उनके साथ बातें की हुई थी, चाहे भविष्यवक्ता के जरिए चाहे डायरेक्ट भी। ऐसे लोग थे, ये कोई मामूली इंसान नहीं थे कि जो वचन नहीं जानते थे, ये आम विश्वासी नहीं थे कि परमेश्वर के बारे में नहीं जानते थे, बस किसी का कहा हुआ सुनकर कुछ मान लिया, ऐसे लोग नहीं थे। ये आत्मा में बहुत आगे बढ़े हुए लोग थे, ये परमेश्वर को बहुत अच्छी तरह से जानने वाले लोग थे कि परमेश्वर की आज्ञा कौन कौन सी, ये सभी कुछ जानने वाले लोग थे।
फिर भी इन लोगों ने क्या किया, जो परमेश्वर को नहीं पसंद था ऐसी ही बातें ये लोग करते रहे और परमेश्वर के खिलाफ ही ये लोग चलते रहे। सभी का अभिषेक हुआ और सभी सब कुछ जानते थे, लेकिन फिर भी इन लोगों ने जो काम किया वो सही में परमेश्वर के खिलाफ काम किया। परमेश्वर को जानने के बाद देखिए आप शालोम देखो तो दाऊद राजा का लड़का था, लेकिन फिर भी दाऊद राजा की कोई बात उसके अंदर दिखाई नहीं दी। ये वो आम इंसान था, लेकिन परमेश्वर ने उसका अभिषेक कर दिया और उसको एक आम इंसान से उसको राजा बना दिया, लेकिन फिर भी उसने मूर्ति पूजा को नहीं छुड़ा। दाऊद राजा थे और उसका बेटा अबशालोम इतना अच्छा, उसको ज्ञान मिला था, उसको समझ मिली थी, उसके पिता के साथ परमेश्वर डायरेक्ट बातें किया करते थे, और फिर भी अबशालोम जो थे वो सही से जिस तरह से चलना चाहिए वो नहीं चला। ये वो परमेश्वर को जानने के बाद भी मूर्ति पूजा में चले गए। और आज भी ऐसा होता है कि आज भी परमेश्वर को जानने वाले लोग, चाहे हो सकता है कि उनके घर में कोई मूर्ति ना हो, हो सकता है उनके घर में कोई पशु या किसी पंछी की, या लोग जिसको प्रभु यीशु की मूर्ति बोलते हैं, हो सकता है ऐसी मूर्ति ना हो। लेकिन मूर्ति का मतलब ऐसा होता है कि जो दिखने में जिंदा लगती है वो जिंदा हो सकती है, लेकिन वो काम कुछ भी नहीं कर पाती, उसको बोलते हैं मूर्ति। और इंसान जो है, हम लोग, हम जितने भी इंसान हैं, चाहे हमें दो हाथ दिए चाहे दो पैर दिए, हम काम तो कर सकते, हम घूम फिर तो सकते, लेकिन आज तक दुनिया में एक भी सेवक भी ऐसा पैदा नहीं हुआ जो किसी को ऐसा बोल सके मैं तुझे स्वर्ग में लेकर जाऊंगा। किसी भी परमेश्वर के दास की ताकत नहीं है कि अगर ऐसा बोल सके। अगर कोई बोलता है तो परमेश्वर का दास ही नहीं है अगर ऐसा बोल दे तो, क्योंकि कोई भी इंसान उसमें इतनी ताकत ही नहीं किसी का हाथ पकड़ कर उसको स्वर्ग में ले जा सके, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन इसका मतलब ये हुआ कि हम इंसान सभी लोग जो है हम कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। और इसलिए पाउल ने बोला था, पौल उसने बोला कि जो मुझे सहायता करता है उसकी सहायता, जो मुझे सामर्थ्य देता है उसकी सहायता से मैं सब कुछ कर सकता हूँ। मतलब परमेश्वर सामर्थ्य देते हैं तब कोई कुछ कर सकता है। बिना परमेश्वर हम सब भी क्या है, कुछ भी नहीं है, हम सुनिए। लेकिन फिर भी आज कई इंसान कई बार अपने पत्नी की सुनते हैं, कई बार अपने पति की सुनते हैं, कोई अपने माता पिता की सुनकर रुक जाता है, कोई अपने बेटे बेटे की सुनकर रुक जाता है, कोई भाई बहन की सुनकर रुक जाता है, कोई दूसरे रिश्तेदारों की बातें रुक कर सुन जाता रुक जाता है और परमेश्वर में आगे नहीं बढ़ता, मीटिंग में नहीं आ सकता, प्रभु नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि उसके जीवन में हो सकता है उसका पति, हो सकता है उसकी पत्नी, हो सकता है उसके भाई बहन, हो सकता है उसके माता पिता, ये मूर्ति बनकर बैठे हुए, मूर्ति बनकर बैठे हुए, और इसलिए वो ऐसा काम नहीं कर सकते। परमेश्वर को जानने के बाद भी, परमेश्वर को समझने के बाद भी, ये हो परमेश्वर को जानता था समझता था, लेकिन फिर भी मूर्ति पूजा से चालू थी। और आज भी ऐसा होता है कि कई लोग ऐसे मूर्ति पूजा में वो लोग चले जाते हैं। बाइबल में देखो आहाब नाम का एक राजा था, सही में आहाब बहुत अच्छा राजा था और परमेश्वर को जानने वाला भी था, लेकिन उसके जीवन में सिर्फ उसकी पत्नी ऐसी आ गई और उसकी पत्नी के पीछे पीछे ही चला। परमेश्वर को जानने के बाद भी, परमेश्वर को पहचानने के बाद भी उसकी पत्नी जो बोलती थी बस ये आहाब राजा उसके हिसाब से चला, और आखिर में उसकी जो मौत थी वो बहुत ही दर्दनाक हुई और बहुत ही खराब हुई। उसके जीवन में उसकी पत्नी जो थी वो एक मूर्ति के समान थी, क्योंकि परमेश्वर का कहा हुआ नहीं, लेकिन वो अपनी पत्नी का कहा हुआ करते करते आखिर में वो मर गया। शाऊल राजा जो था उसने अपने पद को नहीं छोड़ा, राजा को जो पद था वो पद उसने नहीं छोड़ा। एक बार एक परमेश्वर का दास जिसे बोलते हैं ऐसा एक इंसान मेरे पास आए और कहीं पर जाना है जाना था, और उसने बोल दिया मैं वहाँ पर नहीं आऊँगा। उन्होंने बोला क्यों वहाँ पर नहीं आना चाहते? बोले नहीं वो तो सेवक की कोई इज्जत ही नहीं करते, सेवक की कोई इज्जत ही नहीं करते। मैंने बोला अच्छा है, सेवक का मतलब तो बताओ, सेवक किसको बोलते? सेवक यार हम तो लोग जो गवर्नमेंट जॉब करते उससे भी हम तो बड़े लोग हैं, क्योंकि सबसे बड़े गवर्नमेंट तो परमेश्वर की गवर्नमेंट है और हम तो उसका काम करने वाले, मतलब हम फालतू फालतू नहीं। मैंने बोला वो सब छोड़ किसका काम करते, सेवक का मतलब क्या, सेवक किसको बोलते? और बाइबल में प्रभु यीशु ने एक दृष्टांत दिया था कि ऐसा कौन सा बॉस है, ऐसा कौन सा मालिक है जो उसका नौकर अगर खेत से काम कर थक कर उसके घर में कहने के लिए आए
कि साहब मैं अभी घर पर जा रहा हूँ और वो खाने के लिए बैठ रहा है, इसका मालिक खाने के लिए बैठ रहे हैं, तो क्या नौकर कैसा बोलेगा तू मेरे साथ खाने के लिए बैठ। यीशु मसीह ने सब बोला कि उसका मालिक क्या बोले, हे अभी मत घर पर जा, मेरे लिए अभी तू खाना निकाल, मेरे हाथ धुला दे और तुम मुझे खाना दे और जब तक मैं यहाँ पर हूँ यहीं पर खड़ा रहे और तू मेरी सेवा कर, तू मेरी सेवा कर। सेवक किसको बोलते, सेवा का मतलब ही सेवा करना है, सेवक की कोई इज्जत होती ही नहीं है, उसका कोई सम्मान होता ही नहीं, यहाँ करने वाले करेंगे लेकिन सेवक का ढूंढता है तो समझो वो सेवक ही नहीं है। क्योंकि यीशु मसीह ने क्या बोला, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे, तो जो अपने आप का इनकार करेगा वो तो कभी कुछ मांगने वाला ही नहीं है कि नहीं मैं मेरी इज्जत होने पाए और वो लोग मुझे आदर मान देने चाहिए, वो लोग मुझे सम्मान देने चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। जितने परमेश्वर को जानते हैं वही परमेश्वर के दास की इज्जत करेंगे, जो नहीं जानते वो परमेश्वर के दास की इज्जत नहीं भी करेंगे, लेकिन परमेश्वर के दास को सभी बातों के लिए उसे तैयार रहना है। लेकिन शाऊल राजा जो था, शाऊल राजा ने बोला मैं तो राजा के पद से नहीं हटने वाला, दाऊद को ही खत्म कर दो, दाऊद को ही खत्म कर दो। परमेश्वर को जानने के बाद भी अपना पद नहीं छोड़ना चाहता, लेकिन हमें हमारा जो पद है वो सही में छोड़ना है। और यहूदा जो इस्करियोती तक उसके अंदर से लालच कभी भी नहीं, जो लोग और लालच तक उसको उसने कभी भी जब तक वो जिंदा रहा तब तक उसके अंदर से ये लालच नहीं, यहाँ तक कि उसने अपने गुरु को ही बेच दिया, यीशु मसीह को बेच दिया, इतनी लालच उसके अंदर फंसी हुई थी, चोरी करता था और आखिर में उसने जो यीशु मसीह थे यीशु मसीह को ही उसने बेच दिया। यीशु मसीह को उस वक्त चांदी के 30 सिक्के के खातर उसने उसको बेच दिया, लेकिन परमेश्वर ने उसको ये काम के लिए उसको नहीं चुना था, परमेश्वर ने अच्छे काम के लिए चुना था। लेकिन ये होता इस पर सब कुछ सुनने के बाद, परमेश्वर के वचन सुनने के बाद कि हाँ हमें सब कुछ बेचकर, हमें एक भी रुपया नहीं लेकर यीशु मसीह के पीछे चला है तभी हमें स्वर्ग मिल सकता है, लेकिन फिर भी उसने अपने पैसों के ऊपर ही निगाह लगाई, चोरी करता रहा और एक दिन पैसे की खातिर उसने यीशु मसीह को भी बेच दिया। एक बार एक भाई साहब थे वो भी परमेश्वर के दास ही, और उसे कहीं पर ले गए, उसे को हम लोग प्रार्थना करने के लिए जाते और बड़ौदा शहर छोड़कर कहीं और मुझे प्रार्थना के लिए लेकर चले गए, और आने जाने का किराया काफ़ी खर्च हुआ, थोड़ा सा दूर जाना था, और जिसके पास गए हम लोग वहाँ पर प्रार्थना की, अच्छे से मीटिंग हुई, सब कुछ अच्छा रहा और वहाँ से हम लोग निकल आए। जब निकल आए तब रास्ते में उस सेवक ने मुझसे बात की, बोले उस भाई साहब ने आपके साथ प्रेस रोड किया, मैंने बोला हाँ प्रेस रोड था, दो तीन बार हमारा प्रेस रोड होगा, बोले वो वाला प्रेस रोड नहीं, मैंने बोला फिर कौन सा, बोले पैसे दिए गए नहीं, मैंने बोला ये कौन सा प्रेस रोड, बोले हाँ वो तो ऐसे मुट्ठी कर कर ऐसे हाथ पड़ो और प्रेस रोड कर दो, बोले वो वाला प्रेस रोड नहीं किया, अभी क्या उसके लिए जाने की जरूरत है, परमेश्वर के दास भी अगर इसकी लालच करे इसका क्या फायदा। यीशु मसीह के पीछे चलने वाला यहूदा इस्करियोती ये लालच अपने अंदर से नहीं छोड़ रहा, और परमेश्वर यही चाहते हैं कि परमेश्वर को जानने के बाद जो परमेश्वर चाहते वही हम करें, लेकिन जो परमेश्वर की इज्जत नहीं रखना चाहते वो परमेश्वर को जानने के बाद भी उनकी आज्ञा सुनने के बाद भी वो ऐसे ही चलते हैं। और इसलिए जो वचन आज हमने पढ़ा था मरकुस और उसका पहला अध्याय हमने पढ़ा था, और वहाँ 21 से लेकर 28 पद तक हमने पढ़ा था, और वहाँ पर जो एक घटना हो चुकी है वो वहाँ पर लिखी हुई है। और यीशु मसीह विश्राम का दिन तक, सातवां दिन तक, और यीशु मसीह चर्च में चले गए, और चर्च में चले गए तो वहाँ पर जो हुआ हम पढ़ते हैं उसका 23वां पद पढ़ो तो। बाइबल में ऐसा लिखा है जहाँ पर परमेश्वर की आराधना के लिए लोग इकट्ठा होते हैं वहाँ पर एक इंसान था और उस इंसान को दुष्टात्मा ने पकड़ा हुआ था। ऐसा नहीं था कि दुष्टात्मा निकालने के लिए इसको कोई यहाँ पर लेकर आया है, उसके अंदर शैतान की आत्मा पहले से काम कर रही, और फिर भी वो तो हर संडे चर्च में आता ही जाता रहता था, हर विश्राम के दिन वो तो आता जाता रहता था, और वहाँ पर उसके पास कोई छुटकारा नहीं था, सभी के साथ वो भी मिलकर वो भी आराधना करता होगा, वो भी प्रार्थना करता होगा, लेकिन ऐसा इंसान वहाँ पर था। और आगे पढ़ो, यहाँ पर ऐसा लिखा है उस इंसान ने आवाज लगाई, फिर क्या आवाज लगाई, बोले
हमें और तुझे क्या, हमें अभी एक वचन नहीं है, ये बहुवचन में बात करता है, हमें और तुझे क्या, मतलब अभी जो इंसान है आवाज तो उसी के मुंह से निकल रही है, लेकिन अंदर से कौन बोल रहा है, दुष्ट आत्मा की सारी फौज बोल रही है, साथ में वो इंसान भी बोल रहा है, ये दोनों मिलकर बोल रहे, ये दोनों मिलकर क्या बोल रहे, हे यीशु तुझे और हम में क्या, मतलब उस इंसान को भी यीशु मसीह से लेना देना नहीं है और जो दुष्ट आत्मा उसको तो लेना देना है ही नहीं। और आगे पढ़ो क्या लिखा है, तू हमारा नाश करवा दियो छे, हां ऐसा लिखा है कि क्या तू हमारा, बहुवचन, तू हमारा नाश करने के लिए आया है। और आगे तू कौन छे, ये हूं जानू छु, हां ये दुष्ट आत्मा है ऐसा बोलते, तू कौन है हम तुझे जानते हैं। और आगे इतने दिनों पवित्र बाइबल में लिखा है, मतलब तू तो पवित्र है। हालेलुया, ध्यान समझना, एक इंसान जिसके अंदर दुष्ट आत्मा है, ये सारे दुष्ट आत्मा यीशु मसीह को जानती है, मालूम है कौन है, बोले तू तो परमेश्वर का पवित्र है, तू तो वही, हम तुझे जानते हैं, सामने से बोल दे हम तुझे जानते हैं, लेकिन जानने के बाद काम क्या करते हैं, बोलो क्या परमेश्वर की इज्जत करते हैं, क्या प्रभु यीशु की इज्जत करें, क्या तू हमको समय से पहले मारने के लिए आया है क्या, यहाँ पर तूने बोला नहीं कि कौन से दिन में नाश करने वाला हूँ, तो अभी पहले से क्यों आ गए, मतलब परमेश्वर की कोई इज्जत नहीं, यीशु मसीह की कोई इज्जत नहीं, और बोलता है क्या हम तुझे जानते, एक बार फिर से पढ़ो 24 पद, अरे यीशु नाज़ारी हमारे ने तुम्हारे सू छे, हमारे ने तारे सू छे, सू तू हमारो नाश करवा गयो छे, तू कौन छे ए हूं जानू छु, એટલે તેમનો પવિત્ર બાઇબલ મે લખે तू कौन है वो हम जानते हैं। और हमने पढ़ा था यूहन्ना 17 उसका तीसरा पद पढ़ा था, और वहाँ पर ऐसा लिखा है कि अनंत जीवन क्या है, एक बार फिर से पढ़ लो यूहन्ना 17 और उसका तीसरा पद, अनंत जीवन एक है कि तेओ तने एकला घर आदिम ने तथा यीशु ख्रिस्त जेने ते मुकलो छे ते तेने और ते तेने उठे। बाइबल में लिखा है कि अनंत जीवन क्या है, तो बोले परमेश्वर को पहचान ले वही अनंत जीवन। अभी सारे दुष्ट आत्मा ऐसा बोले हम तुझे जानते हैं, तो क्या सभी को स्वर्ग मिल जाएगा, जानते हैं तो क्या स्वर्ग मिलेगा, नहीं स्वर्ग नहीं मिलेगा, क्योंकि जानने के बाद जो परमेश्वर की इज्जत करने चाहिए वो इज्जत ये लोग नहीं कर रहे, तो जानने के बाद जो इज्जत करनी चाहिए वो इज्जत नहीं करे। एक फिल्म स्टार था, बहुत बड़ा फिल्म स्टार, बरसों पहले हो गए, दिलीप कुमार, और जब वो पूरे भारत में बहुत फेमस थे और सभी लोग उसको बहुत बड़ा एक्टर समझ रहे थे, एक बार वो प्लेन में सफ़र कर रहे थे, प्लेन में सफ़र सभी लोग उसको ऐसे निगाहें मार रहे थे, अरे हमारे साथ तो इतना बड़ा एक्टर है, हमारे साथ प्लेन में बैठे हैं, लेकिन उसके साथ एक इंसान और बैठा था, उसे सिंपल से कपड़े पहने थे, कोई बारिश सूट वगैरह पहना नहीं था, और वो ऐसे एक बार अखबार पढ़े जा रहे थे, लोग इसको देख रहे हैं हमारे साथ एक हीरो है, हमारे साथ एक हीरो, लेकिन वो जिसके साथ बैठा है वो तो इसके सामने निगाह ही नहीं मारा, आइए देख रहा है कि जो सभी लोग मुझे देख रहे हैं, मैं इतना बड़ा स्टार हूँ और ये इंसान कौन है जो मुझे देखता भी नहीं, फिर उससे धीरे से बात शुरू की, भाई सब कैसा है, हाँ ठीक है फिल्म देखते हो, तो बोलते नहीं मैं फिल्म नहीं देखता, हो सकता है कभी एक आध दो देख ली होगी, या तो कभी कभी देख लेता हूँ, लेकिन मुझे कोई इसमें इंटरेस्ट नहीं है। तो बोले आप मुझे जानते हो, बोले नहीं मैं आपको नहीं जानता, बोले आप कौन हो, बोले मैं फिल्म का स्टार हूँ, बोले अच्छा आपका नाम क्या है, बोले मेरा नाम दिलीप कुमार, ये सत्य घटना है। और जब वो लोग वहाँ से निकले, ये इसको ऐसा लगा मैं इतना बड़ा स्टार है मेरी इज्जत ही नहीं करता है, लोग मुझे पहचानते हैं, लोग मुझे देखा करते हैं, लेकिन ये तो मेरी इज्जत ही नहीं करता। जब बाहर निकले एक बार फिर उससे मिला, बोले आपका नाम तो बताओ, और उसने अपना नाम बताया JRD टाटा, और अब उसको पता चला है इसके आगे तो मैं कुछ भी नहीं था, ये तो इतना बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है जो भारत का कर्जा एक दिन में उतार सकता है, एक पल में उतार, इतना धनवान इंसान मेरे पास में बैठा था, सिंपल कपड़े, उसके अंदर कोई भी घमंड नहीं, कुछ भी नहीं, लेकिन परमेश्वर को जानने के बाद, हाँ परमेश्वर हम तुझे जानते, लेकिन परमेश्वर का कहा कुछ नहीं करना है, उसकी कोई भी इज्जत नहीं, उसकी कोई भी इज्जत नहीं, ये जानना कैसा जानना है, दुष्ट आत्मा बाइबल में लिखा है कि अनंत जीवन तो वो है कि परमेश्वर को जानना, उसको पहचानना, लेकिन दुष्ट आत्मा सभी बोलते हैं कि हाँ हम तुझे जानते हैं, तू पवित्र है, तो फिर इज्जत करो ना, लेकिन वो लोग कोई भी परमेश्वर की जो इज्जत करनी चाहिए वो इज्जत नहीं करते। और इसलिए जो शाऊल राजा था उसके बारे में लिखा है 1 यूहन्ना
उसका 16 और 14 पद में कि परमेश्वर का आत्मा उससे चला गया था और दुष्ट आत्मा उसके अंदर से घूम रहा था। यहूदा इस्करियोती जो था उसके बारे में भी लिखा और शैतान उसके अंदर समा गया, ऐसा यूहन्ना 13 अध्याय के अंदर लिखा हुआ कि उसके अंदर शैतान का आत्मा समा गया। जब भी कोई परमेश्वर को जानता है लेकिन फिर भी परमेश्वर की इज्जत नहीं करता तो समझ लेना कि उसके अंदर शैतान की आत्मा आ चुकी है और इसलिए वो परमेश्वर की परवाह नहीं करता और परमेश्वर की जो इज्जत करनी चाहिए वो परमेश्वर की इज्जत नहीं करता। और ऐसे लोगों के लिए पत्रस जो है वो बहुत स्पष्ट लिखते हैं और हम पढ़ते हैं दूसरा पत्रस उसका दूसरा अध्याय उसका 20, 21 और 22 पद। दूसरा पत्रस दूसरा अध्याय और 20, 21 और 22 पद। अपना प्रभु तथा कान्ना यीशु ख्रिस्त ने और घी ने जो त्यो जगत की मौलिकता थी छुट्टी ने पाचा दिन फसाई ने हारी गया तो एवनी छिल्ली दशा पिंडी न करता हुई छे। बाइबल में लिखा है कि एक बार परमेश्वर को जान लिया और जितने भी पाप थे उसमें से छुटकर वो लोग परमेश्वर में आ गए और उसके बाद फिर पाप करने लगे। इसका मतलब क्या है? तो क्या कर लेगा? परमेश्वर को जाना, परमेश्वर की आज्ञा भी जान ले, शुद्ध भी हो गए, पवित्र भी हो गए और फिर इज्जत नहीं करे, नहीं तूने धोया तो क्या, हम तो वापस जाएंगे। और वो लोग वापस पाप करने के लिए चले जाते हैं। और पत्रस ऐसे लोगों के लिए बोलता है, बोले उनकी आखिरी जो परिस्थिति होगी वो नर्क में बहुत ही भयानक होगी। इस धरती पर तो ठीक है बच जाएंगे, उनका जीवन खत्म हो जाएगा, लेकिन आखिरी समय पर नर्क के अंदर उनकी हालत बहुत ही बिगड़ जाएगी। और फिर आगे क्या लिखा है? कारण के एक बार न्याय प्रणाली में मार जाने पछि तेओ ने जे पवित्र आज्ञा आपवामां आवी तेथी पाछा फरू ए करता तेओ ते मार्ग विषे अजाण्या रह्या होत तो सारू होत। बाइबल में लिखा है कि जिससे अच्छा है इन लोगों ने जाना ही नहीं होता तो अच्छा था। परमेश्वर को जान के परमेश्वर की इज्जत नहीं करते, परमेश्वर को इससे अच्छा मुझे नहीं जानते ना तो ठीक होता, ये तो जानते और फिर भी मेरी इज्जत नहीं करते। लेकिन पत्रस उनको क्या बोलते हैं और आगे पढ़ो, पर पुत्र पोतानी ओप तरफ अने धोएली गुंडन कादवमा आरोटवा सारू पाछा जाय छे। आ कहेवत तो खरी छे अने ते प्रमाणे तेओनु वर्तन थयु छे। बाइबल में लिखा है कि कुत्ता उल्टी करता है और वही वापस खा लेता है और जो सुअर होता है वो सुअर को कितना भी नहलाओ कितना भी शुद्ध करो वापस वही गंदगी में जाता है। और पत्रस ऐसे लोगों के लिए जो शाऊल के जैसे हैं, ऐसे लोग जो येहू के जैसे हैं, ऐसे लोग जो यहूदा इस्करियोती के जैसे हैं, ऐसे लोग जो आप शालोम की तरह है, ऐसे लोगों के लिए बोल रहे हैं कि परमेश्वर को जानने के बाद भी घमंड, परमेश्वर को जानने के बाद भी लालच, परमेश्वर को जानने के बाद भी उनकी इज्जत नहीं करना, परमेश्वर को पहचानने के बाद उनकी आज्ञाकारी नहीं करना। तो पत्रस क्या बोलते हैं? ये तो ऐसे कुत्ते के समान है, ये तो ऐसे सुअर के समान है, ऐसा परमेश्वर को अच्छा लगता है। दुष्ट आत्मा है देख, और इसलिए यीशु मसीह को बोलते हैं मैं तुझे जानता हूँ, हम तुझे जानते हैं, लेकिन फिर भी इज्जत कहाँ कर रहे हैं? आज परमेश्वर के लोग, मसीह के लोग मसीह को जानने के बाद अगर इज्जत नहीं कर रहे तो उनमें और शैतान की आत्मा में फर्क क्या है? उनमें कोई अंतर नहीं, उनमें और कुत्ते उनमें और सुअर में कोई फर्क नहीं है, ऐसा परमेश्वर का वचन कह रहे हैं। लेकिन परमेश्वर क्या बोलते हैं? अनंत जीवन क्या है? बोले परमेश्वर को पहचाने, हम परमेश्वर को सही मायने में पहचाने और उसकी इज्जत करें, उनकी आज्ञाकारी करें ताकि हम सब में जा सकें। आओ हम हमारा आँखों को बंद करते हैं, हमारे मस्तकों को परमेश्वर के आगे झुकाते हैं, सब लोग अपनी आँखें बंद करें। मेरे प्रिय हमारे परमेश्वर, उनका वचन कहता है कि अनंत जीवन तो वो है कि वो परमेश्वर पहचाने, लेकिन जानने के बाद भी अगर इज्जत नहीं कर रहे तो जानना जानना। मेरे प्रिय हम परमेश्वर को सही मायने में जाने, उनकी इज्जत करना सीखे। दुष्ट आत्मा बोलते थे हम तो जानते, लेकिन बोलते तेरा और मेरा क्या, मतलब हमारा आपस में कोई संबंध नहीं, मैं तेरी कोई इज्जत नहीं करता। लेकिन आज परमेश्वर हमसे बात करते हैं, हम ऐसे ना, अगर हमने परमेश्वर को जाना है, अगर हमें उनको पहचाना है, उनकी आज्ञाकारी करें, हम उनकी इज्जत करें, हम उनकी महिमा करें, ये वचन समझने के लिए, ग्रहण करने के लिए, उसके अनुसार चलने के लिए प्रभु यीशु की कृपा हम सभी पर। थैंक यू जीसस।